बाहुबली प्रभास पूरे 6 साल बाद अपनी दूसरी फिल्म करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहो की, जिसका इंतजार ऑडियंसेस को बड़ी ही बेसब्री से है। फिल्म में रोमांस करने का चांस मिला है आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा फिल्म साहो में प्रभास के साथ लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग लंबे वक्त से चल रही है। फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई है। इनसाइड खबरों की माने तो साहो अगले साल अप्रैल में रिलीज हो सकती है। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2019 में फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो सकती है। मतलब साफ है कि बाहुबली की तरह ही साहो को भी अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टारर साहो का बजट लगभग 150 करोड़ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दर्शकों ने किसी भी फिल्म में ऐसे एक्शन सीन कभी नहीं देखे होंगे जो साहो में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश और मंदिरा बेदी नेगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। अब इंतजार है तो सिर्फ साहो का। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाहुबली प्रभास पूरे 6 साल बाद अपनी दूसरी फिल्म करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहो की, जिसका इंतजार ऑडियंसेस को बड़ी ही बेसब्री से है। फिल्म में रोमांस करने का चांस मिला है आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा फिल्म साहो में प्रभास के साथ लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग लंबे वक्त से चल रही है। फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई है। इनसाइड खबरों की माने तो साहो अगले साल अप्रैल में रिलीज हो सकती है। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2019 में फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो सकती है। मतलब साफ है कि बाहुबली की तरह ही साहो को भी अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टारर साहो का बजट लगभग 150 करोड़ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दर्शकों ने किसी भी फिल्म में ऐसे एक्शन सीन कभी नहीं देखे होंगे जो साहो में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश और मंदिरा बेदी नेगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। अब इंतजार है तो सिर्फ साहो का। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।